तो अभी आप हमारे पीछे देख रहे हैं समंदर और हम हैं सागर। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। तो इस वक्त आप लोकेशन देखेंगे तो ये जो पीछे का एरिया देख रहे हो यहाँ पे है गैलेक्सी यानी कि सलमान खान का बंगलो। और अगर इस साइड आप जाएंगे तो यहाँ पे मेरे दोस्त ने बताया कि मन्नत है और उसके आगे संजय दत्त का भी घर है। मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम नहीं बोल सकते, हाँ सेकेंड टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम मैं सिर्फ गैलेक्सी देखने आया था। तो अभी मैं हूँ बैंड स्टैंड पे और ये हमारे साथ जो कि एक्टर है। तो हमारा पानी का बोतल और कैमरे का बैग ये रखा है। ये यहाँ पे सविनय बैठा हुआ है, इसको फ़ोटोशूट कराना था। और ये कुछ आसपास का ऐसा कुछ माहौल है और हम भी इस पत्थर पे बैठे हैं। एक मिनट आपको मैं दिखा दूँ कि मैं किस जगह बैठा हूँ। ये एक पत्थर है जिसके मैं बैठा हूँ। इस साइड कुछ बिल्डिंग्स वगैरह है और इस साइड भाई पूरा खाली है। और शायद आप देख पा रहे हो ये जो यहाँ पे ये एरिया है, ये पहले एक रुपए की नोट में जो एक बन के आता था ना जहाज का जो भी होता था, मुझे मालूम नहीं है, ये वो है। तो भाई व्यू कुछ इस तरह से है, आप फील कर पा रहे होगे ये सब सारी चीज़ें। गर्मी तो है मुंबई की, जो गर्मी मैंने पहले जो एक वीडियो बनाया था भाई मुंबई मत आना, मैं इसलिए बोला था कि मुंबई मत आना कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से बोला था भाई। बाकी मुंबई घूमने लायक बहुत सही है बट आपको टेम्परेचर के साथ, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत गंदा वाला होता है क्योंकि एक साइड समंदर होता है, दूसरी साइड बिल्डिंग होती है और तीसरा इतनी पब्लिक है ना। तो भाई मौसम जो है, जो मौसम है ना, तो वो हीट कुछ अलग तरीके से करता है। तो भाई साहब मैं फिर से अभी भी आपको यही कहूंगा कि मुंबई मत आना। भाई यार हालत खराब हो जाती है पसीना पोसते पोसते यहाँ पे, इसलिए देखिए मैं तौलिया लेके चल रहा हूँ। आप जब भी आए अपना तौलिया लेकर आए। तो मैं मेरा टॉवल लेके आया हूँ बट मैं मेरा टॉवल हॉस्टल में भूल के आ गया हूँ, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। मैं अभी जो प्लान है कुछ रैंडम क्लिक्स करने हैं मुझे और अभी हम जा रहे हैं मन्नत साइड में यानी शाहरुख खान के बंगलों के साइड में। और एक बार आज यहाँ पे कुछ अलग करने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अनजान लोगों की मैं उनकी परमिशन से फ़ोटो क्लिक करूँ और वो मैं सोशल मीडिया और इस ब्लॉग में भी डालूँ। तो देखते हैं अगर कितना होता है। थोड़ा जिगरी वाला काम है भाई, किसी भी अनजान पर्सन से बात करके उसकी फ़ोटो क्लिक करना, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा बट देखते हैं। आज हम कुछ अलग करने जा रहे हैं, या तो हम घर जाएंगे या फिर जेल जाएंगे। तो नहीं जेल तो नहीं जाएंगे हम, तो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं रखने वाले। अगर आपकी परमिशन होगी तो हम क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो, सिंपल सी बात है। और वो प्रॉपर कैमरे में रिकॉर्ड होगा कि आप परमिशन दे रहे हो, तो आप बाद में जाके ये भी नहीं कह सकते कि आपने मेरा फोटो बिना परमिशन के निकाला। मेरी निजता का उल्लंघन हुआ है, मैं आप पर दफा 302 के तहत केस करूंगा। जाओ भे बसेरा चाहे किधर हो, अभी तो गर्मी के मारे हालत खराब है। और कितना दूर चलना पड़ेगा मन्नत के लिए? मतलब 10 मिनट और बाकी है। 10 मिनट मतलब नहीं, मतलब 100 कदम और बस। और इस समय हम के घर के सामने आ गए। शायद हमें लग रहा है कि हमने टाइमिंग गलत चूज़ कर लिया। और अभी दोपहर का टाइम कितना हो रहा है? अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। तो भाई कसम से इतना भयंकर गर्मी है यहाँ पे, हम लोग ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है अभी फिलहाल का। हाँ वही जो इन्होंने इंग्लिश वाला वर्ड बोला ये वही। और मेरी हालत ख़राब है, मेरी आँखें नहीं खुल रही हैं पूरी। एक्चुअली ये जो धूप है ना रिफ्लेक्टर के साथ है, तो सॉरी डिफ्यूज़र के साथ है ये, तो आँख एकदम रिफ्लेक्टर कैसे हो गया ये डिफ्यूज़र के साथ लाइट है यहाँ पे, तो ये बहुत गंदी वाली लाइट है, बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझे। हाय, आई एम ए फोटोग्राफर, कैन आई क्लिक योर पिक्चर फॉर माय सोशल मीडिया अकाउंट? मैं एक्चुअली वीडियो बनाता हूँ। ओके थैंक यू सो मच। तो घूमते फिरते हमें इन्होंने बताया कि ये जो आप पीछे बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये अपने संजू बाबा के, क्या बोलो तो संजू बाबा समझ लो, इसकी गारंटी मैं नहीं ले रहा कि ये बिल्डिंग संजय बाबा की है, लेकिन ये बंदा कह रहा है ये इधर सुन सॉरी हाँ, तो इसने बोला है, तो इसके कहने पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्डिंग संजय दत्त की है। और इसने रेंट भी बताया कि भाई वन फ्लोर, शायद एक फ्लोर है 1 BHK का। नहीं मैं फ्लोर के बता रहा हूँ, तू रेंट कुछ तो बता रहा था ना, रेंट उसका, इसका रेंट है 3 लाख रुपए पर मंथ। तो ये पूरी बिल्डिंग का है या फिर एक फ्लोर का? एक फ्लोर का है।
सस्ता ही है ना फिर, 3 लाख रुपए महीने का। हाँ वेरी सिंपल, तो बहुत बहुत चीप है भाई। तभी हम धीरे धीरे चलते चलते थोड़ा और आगे आ गए। और लगभग अभी मन्नत पहुंच गए, तभी आपको मन्नत दिखाता है। ये जो ब्लॉग है पूरा ऐसा वर्टिकल में आएगा, क्योंकि मैंने सोचा कि भाई एक बार ये भी ट्राई करके देखते हैं। मुझे ना कुछ कुछ नया नया ट्राई करने में मज़ा आता है। तो फाइनली हम आ गए मन्नत के सामने। ये है पीछे मन्नत, शाहरुख खान का बंगलो। और यहाँ पे सारे लोग फोटो क्लिक कर रहे थे, शायद कुछ कोई तो आने वाला है, उसकी वजह से इन्होंने यहाँ से सबको हटा दिया है। बट हम थोड़ी देर वेट करेंगे, देखेंगे क्यों भाई हटा रहे, कोई आ रहा है क्या। तो अभी मन्नत को भी देख लिया है, शाहरुख की गाड़ी को भी देख लिया है। मैं क्यों देख रहा हूँ मेरे को नहीं मालूम, पर ठीक है। तो अभी जस्ट ये मन्नत के सामने जो समंदर का व्यू है, यहाँ पे हूँ। और मेरे इस कैमरे की बैटरी डाउन हो चुकी है और मैं दूसरी बैटरी भी लेके नहीं आया हूँ। सो देखते हैं इसकी बैटरी कब तक चलती है, तब तक ब्लॉगिंग करेंगे, नहीं तो फिर ब्लॉगिंग अचानक से बंद हो जाएगी। और फिर हॉस्टल में जाके हम देखते हैं कि क्या होता है। अभी हमने एक लड़के से पूछा था उसकी फ़ोटो क्लिक करने के लिए, क्योंकि उसकी आंखें बहुत अच्छी लग रही थी, उसने तो मना कर दिया। अभी मुझे मजबूरी में इसकी फ़ोटो क्लिक करनी पड़ रही है। देख रहे हो हमारी किस्मत, DSLR लेके घूम रहे हैं, कोई फ़ोटो खिंचाने के लिए रेडी नहीं है। जो रेडी है अभी क्या बताएं, उसे खींचनी पड़ेगी, मजबूरी है, क्या कर सकता जा रहे। तो फाइनली काफ़ी घूम लिया है हमने और कैमरे की बैटरी जा चुकी है। तो अभी हम निकलने का प्लान जो है वो है चर्च गेट के लिए, क्योंकि इन भाई साहब को कुछ ऑडिशन वीडियो बनाने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, तो वो लेने हैं। तो मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं इसकी एक्स्ट्रा बैटरी लेके नहीं आया मेरे कैमरे की, और चार्जर तो लेके आया हूँ बट चार्ज कहाँ पर करूँगा। सो ठीक है, ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कोई अच्छी सी छोटी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।